हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रोकली और मशरूम की सिंपल सी रेसिपी, जिसे हम हल्के मसालों के साथ बनाएंगे और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म कर लिया है और जैसे ही गर्म हो जाएगा उसमें हम डाल देंगे प्याज। तो एक प्याज है जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है, साथ में मैंने डाला है लहसुन की कलियाँ जिसे भी बारीक बारीक काटा हुआ है, और दो हरी मिर्चें। तो आप तीखा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक प्याज जो है हल्का सा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। प्याज हमारे जो है अच्छे से भून चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे मशरूम। तो यहाँ पर मैंने मशरूम लिए हैं और इसे बारीक बारीक काट लिया है। तो आप इसका अपने हिसाब से छोटा ब्रश साइज का काट लें और इसे हम 5 मिनट के लिए ढककर भूनेंगे। मशरूम को मैंने अच्छे से भून लिया है, अब इसमें हम डालेंगे ब्रोकली। तो ब्रोकली को मैंने मीडियम साइज़ का ही रखा, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं किया है, और इसे भी हम भून लेंगे। तो ब्रोकली को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है, इसका इतना पकाना है ताकि इसका क्रंच जो है वो बरकरार रहे। और इसे हम ढक देंगे। इसे एक बार ढक्कन को मैंने फिर से हटाया है और इसे हम एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे नमक। यहाँ पर मैंने डाला है काली मिर्च। तो काली मिर्च को कूट कर आप इसमें डाल सकते हैं या फिर पाउडर डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर, और इन सभी को मिक्स कर लेंगे। अगर आप ये सब नहीं डालना चाहते हो तो यहाँ पर आप चिली फ्लेक्स और मिक्स हर्ब डाल सकते हैं, और इन सभी को हम मिला लेंगे। और इसे ढककर हम पकाएंगे 5 मिनट और। तो सब्जियां भी हमारी पक जाएंगी और इसका क्रंच भी जो है वो बरकरार रहेगा। तो गैस के फ्लेम को मैंने लो करके अच्छे से इसे 5 मिनट के लिए कुक किया है, देख सकते हैं। और ये सब्जियां जो अच्छे से भून चुकी हैं। ये हमारा स्टर फ्राइड ब्रोकली तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।